अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाल हवेली के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर के बाद शेख रशीद अहमद खिताब करने जा रहे हैं। और उसके बाद यहां पर एक स्क्रीन भी आवेदा की है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, जो इस स्क्रीन पर रात को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खिताब है वो सुनाया जाएगा। और आज का जो इवेंट है वो है जो पेट्रोलियम मसनुआ की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मुजाहरा या एहतजाज की काल दी है इमरान खान ने। और उसी सिलसिले में यहाँ पर लाल हवेली में आज शेख रशीद साहब ने भी एक जलसे का अहतमाम कर रखा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद है साफ़ी, जो कि इस पर्टिकुलर अगर हल्के की बात करें पिंडी को ओवरऑल, और इस पर्टिकुलर हल्के जहाँ पर शेख रशीद मुंतखब होते आए हैं एक तवील अरसे से, उसको कवर करते हैं, इनसे बात करते हैं। पहले हमारे साथ शबीर डार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है। सब बताइएगा, आपकी नज़र में ये जो पर्टिकुलर हल्का है जहाँ से शेख रशीद साहब इलेक्ट होते आए, क्या अब भी यहाँ पर शेख रशीद मकबूल हैं या फिर इमरान खान के नाम पर उनको यहाँ पर वोट मिल जाएगा? देखें, शेख रशीद का जो हल्का है NA-62 ख़ास तौर पर, वो यहाँ से तकरीबन 8-9 दफ़ा जीते हैं, तो उनकी सियासत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उनका वो न सिर्फ हल्के में मकबूल हैं बल्कि उनका जो तरीके सियासत है वो ऐसा है कि लोगों को लोगों को कन्विंस करते हैं, लोगों को वो कंपेल करते हैं कि जो उनकी सियासत है ना सिर्फ उनकी सियासत मकबूल है बल्कि वो जिस तरफ भी जाते हैं, जिस पार्टी के साथ भी जाते हैं, उनका अपना हलका उनसे अटैच होता है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ARY न्यूज़ से मलिक साहब, उनसे बात करते हैं। बाबर मलिक साहब, बताइएगा आप कैसे देख रहे हैं इस आज के इस इवेंट को, और ओवरऑल आपको क्या लगता है कि शेख रशीद की पॉपुलैरिटी कम हुई है या शेख रशीद की जो पॉपुलैरिटी बताया जा रहा है कम हुई है, उसका नुकसान इमरान खान को भी हो रहा है? देखिए, मुल्की सियासत में यूनियन कौंसल लेवल के सवालात आप कर रहे हैं, ये असरअंदाज नहीं होता। मजमूई तौर पर आप देखें बयानियाँ क्या चल रहा है, करंट इशू क्या है। आज मुल्क गिर हड़ताल, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है, लाल हवेली के बाहर लोग मौजूद हैं, लाल हवेली के साथ कमर्शियल मार्केट है, टेक्सला में है, और फिर दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, लोग निकल रहे हैं। ये कारकुनों का मामला नहीं रहा, ये आप देखें आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं या बिजली या हवा में है, पहले अपना बताएं। कोई तकलीफ होती है आपको पेट्रोल के पैसे? मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये तकलीफ जो है ना आम आवाम आप महसूस कर रहे हैं और शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, जब इलेक्शन होंगे तो ये शिद्दत जो है ना वहाँ भी इसका इजहार किया जाएगा। एक मुल्की सियासत लेवल के मामलात को यूसी लेवल पे या यूनियन काउंसिल या एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप फोकस नहीं कर सकते। शेख रशीद का बयानिया इमरान खान के बयानिए से मिलता जुलता है, कुछ तजादात थे जो दूर किए गए। अच्छा, एक और अहम बात यहाँ पर, अब जब आज से तकरीबन 3-4 माह कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इकतदार थी और शेख रशीद भी उनके इत्यादी थे, उस वक्त जो हालात थे, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आती और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में होती, तो जो आप बात कर रहे हैं, जो आज इनको एक ऐज मिला है, उनको सियासत करने के लिए कुछ चीज़ें मिली हैं, क्या उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में होती? ये सवालात तो आप उनसे करें ना जिन्होंने सारा सूरत हाल को तब्दील किया है। मैं तो एक आम आदमी, एक ले मैन की बात करूँगा कि उसकी क्या सूरत हाल है, वो इस मजमूई सूरत हाल में किस कदर किस शिद्दत से मुतासर हो रहा है। आप एक आम आदमी अब अंदाज़ा लगा लें कि एक रेड़ी वाला, एक छाबड़ी वाला जो है उसकी चीखें निकल रही हैं, अगर ये लोग तंग हैं तो ये आपको भी तंग करेंगे, मुझे भी करेंगे और उन्हें भी तंग करेंगे जिन्होंने ये किया। जी, आपने सुना कि दोनों यहाँ पर साफ़ी इस हल्के और ओवरऑल पिंडी की जो पॉलिटिक्स है उसको तवील अरसे से कवर कर रहे हैं, और इन्होंने भी अब जो बुनियादी बात की है वो यही है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, जो वोटर है उसने इन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है जिनको वो सफ़र भी कर रहा है। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत का जिक्र किया है बाबर मलिक साहब ने, हम भी शहरी हैं और हम भी मुतासर हो रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पर जो रेड़ी बान है और मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं, जो ताजर हैं, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो शदीद मुतासर हो रहे हैं मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसके बाद से, और अब
इस मौके पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दी है, इससे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही यहाँ पर पिंडी में बाज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत बना सकती है, यहाँ पर कामयाब हो सकती है। शेख रशीद अहमद भी अब एक मरतबा फिर उनकी सियासत में भी जान पड़ती नज़र आ रही है, बिलखसूस नो कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी के बाद जो सियासत दम तोड़ती नज़र आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद की, उसमें एक दफ़ा फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने जान फूंक दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।